कितना आदमी था? 10। 10 लोग। बोलने पे केस कर देगा तो कर देगा। तो देखो अभी मंगल ने ना पुलिस स्टेशन में कॉल किया है, अभी पुलिस स्टेशन में बात हो रहा है इन लोगों का। अभी मेरा भाई आपसे बात कर रहा था, इसने आपको जो कुछ भी बताया है, आप मुझे एक बात बताइए, मेरे घर पे 10-12 गुंडे घुस सकते हैं क्या कभी भी? नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए। और उसने एक मिनट, उसने ये भी बोला, मेरी बात समझिए, आपके साथ कुछ भी हुआ है आप कंप्लेन दीजिए, हम लोग देखेंगे, जांच करवाएंगे, ठीक है? कौन कह सकता है कि किसी के घर में कोई गुंडा घुस जाएगा? हाँ तो बस इसी के लिए हमने फोन किया है आपको, और वो बोला कि कोइलवर थाना भेजा है हमको, कोइलवर थाना भेजा है हमको, ये भी बोला है, सुनिए ना। आपके यहाँ कुछ हुआ है तो आप कंप्लेन दीजिए, हम लोग देखेंगे। कंप्लेन किए हैं तो वहीं से आपका नंबर मिला है हमको कि आपसे बात करना है, आप लोग हेल्प करेंगे, इसलिए बोले हैं कि आप लिखित कंप्लेन दे दीजिए, हम लोग दिखवाएंगे क्या हुआ। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थाना, मंगल निकाल रहा है गाड़ी, गिनी यहाँ पे इंतजार कर रही है, और देखो पूजा किसी से बात कर रही है। तो पूजा ने उस टाइम कॉल पे बात किया था, तो अब हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा सा पूजा दी ना इन्फॉर्मेशन ले रही है किसी से, है ना? चलो भाई निकलते हैं इधर से। मैं रिस्पॉन्स कम दूँ तो प्लीज मुझे पागल मत समझना दोनों। इसके कान में कुछ लोचा है भाई, इसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर नॉर्मल इंसान इस सिचुएशन में कंप्लेन करेगा तो क्या होगा? ऐसे जाएगा पुलिस स्टेशन, जा करके थाने में उसको बड़ा बाबू कुछ घंटा इंतजार करवाएंगे। अगर आपका टाइम वैल्यूएबल नहीं है तो आप वहाँ पे वेट करिएगा, नहीं तो मेरी जैसी लड़की कुछ देर वेट करेगी और वहाँ से उठ के आ जाएगी और फिर ऑनलाइन कंप्लेन करेगी, ठीक है? हम लोग पहुँच चुके हैं थाने में, मतलब थाने के बाहर हैं अभी। चलू मैं भी? चलो आओ भाई, हम जा रहे हैं थाने में। सब लोग हमारा शक्ल ऐसे क्यों देख रहे हैं? कौन देख रहा है शक्ल? भाई वो लोग उधर कंप्लेन कर रहे हैं और हमारा गाड़ी देखो यहाँ इंतजार कर रहा है। कितना आदमी था? 10 लोग। पूरा लिखने के बाद एक इसका कॉपी ले लेना पूजा। गिन्नी यहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर रही है अंदर, अभी तक कंप्लेन रजिस्टर हो रहे हैं, और मंगल भी वहाँ पे खड़ा है। हम यहाँ पे आए ना तो हमें इन्विटेशन मिला 15 अगस्त पे यहाँ आने के लिए, लेकिन अफसोस की बात है हम नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम रहेंगे ही नहीं उस दिन, हम ट्रेन में रहेंगे, लेकिन हाँ हम ट्रेन में भी सेलिब्रेट करेंगे, है ना शिवम? हाँ हाँ बिल्कुल। देख पूजा को देख के तो ऐसा लगता है कि कंप्लेन डन हो गया, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो हम लोगों ने कंप्लेन कर दिया है, बहुत टाइम लग गया भाई, लगभग 2 घंटा लग गया, लेकिन फाइनली हो चुका है सब कुछ। मैं आ रही हूँ दर्जी के पास से। जाओ भाई दर्जी के पास, देखते हैं कि कहाँ तक बात पहुँचती है, कुछ होता है कि नहीं। मुझे वो लोग कहते रहे थे कि आप मत फंसिए, आपका करियर खराब हो जाएगा, ये वो, जैसा कि सभी पुलिस स्टेशन में होता है, क्योंकि मैं उनके सामने ज्ञानी बन के नहीं गई थी, इसलिए आगे देख लेंगे। केस के कई तरीके होते हैं, आपसे डिस्कस कर लूंगी कि क्या क्या होता है, देखते हैं ये नॉर्मल प्रोसीडिंग कहाँ तक आगे बढ़ती है। वैसे जो वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा था वो तो भाई सबके दिमाग पे छप चुका है, और ना उस बंदे को सब लोग जानते हैं, लगभग हमारे सर्कल में, मंगल के सर्कल में जो भी लोग थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। तो भाई गिन्नी है टेलर के पास, हम मैं भी जा रहा हूँ टेलर के पास। लंबाई यहाँ रखी है, इधर वापस से इतना सारा पानी भरा हुआ है भाई, इधर तो जाना मुश्किल है। ऐसा कुछ खास बारिश तो हुआ नहीं था, फिर भी पानी कैसे भर गया? तो अभी हम लोग आए हुए हैं अपने खेत में, लगभग 10 दिन हो चुका है हम लोग को यहाँ पे आए हुए, तो हर हफ्ते ना हम लोग यहाँ पे आते हैं, आज हमको मौका मिला तो हम लोग आ गए यहाँ। केला का पेड़ का ऐसा हालत कौन किया है? क्या हो गया भाई पेड़ में? अच्छा पूरा पेड़ गिर गया भाई, खत्म, पेड़ खत्म हो गया। अब कौन से जानवर ने गिराया है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हरकत ही है किसी का। भाई ये कैसे कैसे एजेंट आ गए हमारे घर पे और हम लोग का ना पूरा ब्रेन डाइवर्ट कर दिया। हम लोगों को कल जाना है, और देखो हम लोग अभी तक पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर पाए हैं, हम लोग थाने में घूम रहे हैं केस करने के लिए और क्या क्या कंप्लेन करने बैठे के लिए। बैठे आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी और आप पुलिस के भरोसे बैठे रहिए बस, और अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप वहाँ जाइए, परेशान होइए, कंप्लेन कीजिए, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ये प्रोसेस अभी और इंसान की, ये प्रोसेस अभी और कितना लंबा चलेगा कोई भरोसा नहीं है। और आपको घुस के घर में लोग 10 थप्पड़ मार के लूटपाट करके चले जाएंगे, फिर उसके बाद केस होगा, फिर उसके बाद कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलेगा। ओए
अरे तुम लोग इधर भाई केस वेस नहीं करते, हम तो कह रहे हैं कि छोड़ दो इनको, बोलो इधर आके बोले, सुनाई नहीं दे रहा हमको कुछ। नहीं भाई इनको सिखाना बहुत जरूरी है। अब क्या 10 बार केस करोगे, अभी तो कर क्या रहे हो, कैंसिल करवा देते भाई। कौन भाई हमारे व्यूअर में से जो लोग मारने में पसंद इंटरेस्टेड हो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, चल के मारेंगे, ना केस मैं करूंगी ना वो करेगा, उसके बाद कहानी खत्म। ए भाई ये तुम्हारे बोलने पे केस कर देगा, समझी, ये सब मत बोलो। बोलने पे केस कर देगा तो कर देगा, कौन मैं जाऊंगी कोर्ट में। भाई को मैंने मारा था, सुनो, जिस भाई को मैंने मारा था उस भाई से निवेदन है, भाई 2-3 फैट और खा लो, हम केस यही रफा दफा करेंगे। क्योंकि गलती तो तुम किए हो, हम जब वीडियो देखे ना कि हम तुमको सिर्फ 2 थप्पड़ मारे तो हमको बहुत गुस्सा है कि हम तुमको 4 थप्पड़ काहे नहीं मारे, और सब लोगों को बहुत दर्द है भाई। जेन्युइनली हम बता रहे हैं ना, रफा दफा करते हैं, आ जाओ प्लीज भाई। जेन्युइनली हम बता रहे हैं ना, मतलब हम लोगों को ना एकदम से लगा ना कि कोई कैसे ऐसा कैसे हो सकता है हमारे कैंपस में, कभी पूरे लाइफ में ना आज तक हम लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग शांति से रहे हैं एक घर में, मुझे व्हाइट शर्ट वाला ला के दो या नहीं तो मैं कूद जाऊंगा यहीं से। व्हाइट शर्ट हमें ला के दो, मुझे येलो शर्ट चाहिए, व्हाइट को तो मैंने मांगा था, येलो वाला चाहिए। येलो वाले का एड्रेस मुझे दिया है किसी ने? नहीं नहीं, वो सब पीछे चले गए थे, येलो शर्ट वाला खड़ा था आगे, उसका पूरा ग्रुप पीछे भाग गया था। तो व्हाइटी शर्ट वाला बस खिलाड़ी है। और एक ना हमारे पड़ोस के भैया हैं, उन्होंने देखा तो बोला कि ये येलो शर्ट वाला, सारे लोग खोज लिए गए हैं, सब्सक्राइबर्स ने दम लगा के खोज लिया है सबको, तुमको देख लेंगे बेटे। बस अभी हम लोग थोड़े हड़बड़ी में हैं, हम लोग एक्चुअली में हम लोग जाना चाह रहे थे घूमने, और हम लोगों को जो घर में ये मौका मिला है ना तुम लोगों के कारण, चुट्टा छोड़ेंगे नहीं, देख लेना। चप्पल याद नहीं आया आनंद फानन में। अच्छा यार, हम लोग उसकी ही कार रख लेनी चाहिए थी, आया था रिकवरी के लिए, ले खटारा कार लेके आया था वो गाड़ी। भाई ऐसा था ना, गियर लगाने पे ना गियर हाथ में आ जाता है। भाई किसी को नकली चाबी बनाने आती है तो मुझसे संपर्क करो, उसका गाड़ी उड़ा के लाएंगे भाई, फिर तुम केस करवाओगे अपने ऊपर। यार मत बोलो ये सब, चलने दो ना यार, तू गिर जाएगा उधर, लड़ना पड़ जाएगा भाई जिंदगी भर इधर उधर। तो हम लोग गुवाहाटी जाएं कि नहीं, पब्लिक नीचे कमेंट करो, क्योंकि हम लोगों का मन है जाने का, हम जाना चाहते हैं। हाँ तो रोक कौन रहा है भाई, भाई गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, हम एक्चुअली में डर गए थे उस टाइम पे, ठीक है ना, कि ये क्या हो गया हमारे साथ, एकदम से ऐसे लोग कैसे आ सकते हैं हमारे घर के अंदर, ठीक है। एजेंट हो कुछ भी हो, पहले तो इन लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, इन लोगों को अथॉरिटी है नहीं कि ये लोग किसी के भी घर में घुस के गाड़ी उठा ले, उसका एक नियम अलग होता है ना, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, अबे यार ये थाना से परमिशन लेना पड़ता है, नहीं साला लूटने आए थे चुपके, वही ना, मतलब एकदम बात ऐसे कर रहे थे कि जैसे लूट के ले जा रहे हैं ये किसी के घर से, लूटमार था भाई। सुनो चुप चुप, भाई इससे पहले ना मैं, हम सिर्फ दो दो लड़की से मार खाए हो, अगर दोबारा आ जाओगे ना मुस्टंडो से मार खाओगे तो प्लीज मत आना यार, व्हाइट शर्ट वाला भाई प्लीज मत आना, तुम यार मत आना, क्योंकि हमने इस बार सिक्योरिटी गार्ड रख के जा रहे हैं। पीला शर्ट वाला चाहिए यार। अच्छा वो ब्लू वाला जो हम लोगों की साइड से हो गया था लास्ट में यार। भाई हाँ, उनमें से एक बंदा जो था ना वो हमारे साइड से हो गया था। अरे अच्छा। बात मैं पहले बोल चुका हूँ, 10 बार बोलोगे क्या? अच्छा हाँ। भाई लेकिन मैं जब देखा ना वीडियो में तो मैं आश्चर्य हो गया कि अरे वाह क्या बात है। हाँ कह रहे हैं उसकी शौक, ये क्या भाई, बाइक से भी थे उसके दो बंदे, वो लोग आके बोल रहे चल चल निकल निकल यहाँ से निकल, दो नहीं तीन थे एडजस्ट करके आए थे एक बाइक पे। मतलब हमको क्या, तुझे तो मैं देख लूंगा, लोकल है ना तू, इधर घूमता है गाड़ी के अंदर पीछे डिक्की में रखा हुआ था लोहा, पता नहीं हॉकी क्या क्या मारने के लिए, डंडा फंडा रखे हुए था गाड़ी में। डरते थोड़ी है यार, हम क्या अपराध किए हैं बताओ, हम कोई केस वैसे क्या कहते हैं, कोई केस कह रहे यार, कोई खून वगैरह करके तो नहीं ना घूम रहे हैं कि हम डरेंगे किसी से, या फिर कोई भी आके हमारे धड़ल्ले से मेरे घर के अंदर घुस जाए बिना बात। ये सब बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है, वो लोग बदतमीजी किए तो चलो यार चला जाए गुवाहाटी, मन चेंज हो जाए, यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है हमको, हमको खुद हो रहा है भाई, हम मेरे अरे हमारी लाइफ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं भाई, हमने कभी इन सब चीजों को फेस किया ही नहीं, और ना ही हमको कभी करना है, हमको ना हमारे लाइफ में कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन ठीक है। तो कितने घंटे हम लोग थाना में बैठे हैं, 2 घंटा 2-3 घंटा बैठे थाना में, आज जिंदगी में पहली बार हम लोग को ऐसा समय मिला कि चुपचाप बैठ के खाली एप्लीकेशन लिखना था, उफ बिजी लाइफ में से आज पहली बार हम लोग को समझ में आया कि 3 घंटा बैठना क्या होता है। हाँ क्योंकि हम लोग यूजुअली कभी भी बैठते नहीं है, क्योंकि पूजा को प्रॉब्लम है,
बैठने से नहीं नहीं, हम सबको प्रॉब्लम है, हम लोग मतलब बैठना पसंद नहीं करते, इसलिए ये कमोड यूज नहीं करते हमेशा हम लोग इतना बिजी रहते हैं। आज रियलाइज हुआ, इससे पहले मैं जब अभी कुछ दिन पहले जब फ्लाइट में बैठी थी तब मुझे समझ में आया था कि आधा घंटा कैसे निकलेगा, आज समझ में आया 3 घंटा और बाद हुआ है। बाप रे बाप, गजब की प्रोसेस। खाने के लोग अच्छे थे है ना, मजा आ गया थोड़ा बात विचार करके। सरकारी लोग लेकिन बात करने में होते बड़ा वो है यार, बहुत रूड किया है ना, बहुत रूड थे। दिल्ली विल्ली में रूड नहीं थे, लास्ट में वो थे, कुछ कुछ रूड थे। अरे बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, सरकारी अफसर मतलब ऑफिसर और मॉल के लोग सेम हो जाएंगे तो फर्क क्या रह जाएगा। ये भी सही है, मॉल में लोग जाके बैठना, फिर वो भी जाके थाने में जाके लोग बैठेंगे कहीं यार सर क्या हाल है। उनको बनना पड़ता है यार रूड, थोड़ा उनके तरफ से भी सोचो, उनको थोड़ा सा बनना पड़ता है, नहीं तो लोग आके उनके छाती पे बैठ जाएंगे। गिन्नी सही कह रही है भाई, बहुत समझदार हो गई है गिन्नी पहले से। वो हम लोगों को बुलाए हैं 15 अगस्त को। हाँ उन लोगों ने हम लोगों को हमको एकदम प्रॉपर वे में इनवाइट किया है कि आप आइए, फ्लैग होस्टिंग वाला जो सेरेमनी होगा ना उसमें आइए, आप लोग वीडियो बनाइए, और मतलब एकदम बहुत ही प्यार से इनवाइट किया। लेकिन हम लोगों ने प्यार से कहा कि हम लोग तो कल ही जाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमने के लिए भी आए थे और थोड़ा ना मन हल्का करने आई थी पूजा यहाँ पे। पागल नहीं का मन हल्का करने के लिए, मन भारी हो गया, आप कल जाना है। पागल रे, हम आगे बैठ जाए क्या यार? नहीं यार आगे मैं बैठूंगा, मन हल्का करने के लिए नहीं आई थी मेरे दिमाग को। अरे मन हल्का करने के लिए नहीं आई थी, एक काम करो गाड़ी मोड़ो और इसको ऐसे ही लेके चलो तो इसका मन हल्का होगा। चलो नहीं नहीं उतरो, हटो यहाँ से। नहीं नहीं भाई उसको हवा चाहिए, कीचड़ है वहाँ पे, गिर उड़ जाएगा। अरे तो कीचड़ से पहले तक लेके चलो ना बस, चलो मंगल उसको पूरा बॉडी में एकदम रिफ्रेशनेस महसूस होगा, है ना पूजा? चलो चलो मंगल मोड़ो, नहीं पहले मोड़ लेने दो उसके बाद पूजा हटो। नहीं उस पे नहीं भाई, ये इस पे खड़ा होना चाहती है, इस पे पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, गिरोगी ना तो कोई बचाएगा नहीं। देखती हूँ ये टूट जाएगा यार, आगे आओ। बाय फ्रेंड्स, पूजा गुम हो गई। अरे पूजा को रहने दो यार, मैं तो हूँ ना यहाँ पे। चल ये अरे कौन ठोक रहा है भाई, खलासी हो क्या? बॉबी तुम इधर से निकलो, पूजा नीचे से देखो, बॉबी इधर से निकलो। नहीं निकलेंगे हम, दर्द हो रहा है मेरे माथे में। चलो भाई पूजा बस तुम्हारा रिफ्रेशनेस हो गया, अब चलो अंदर बैठो। चल ना घर तक चलेंगे। नहीं अबे ये भी निकल गई। अरे ये ए ए ए ए ए पीला शर्ट वाले, पीला शर्ट वाले और वो ब्लू वाले हमारे भैया, प्लीज मिल जाओ। पूजा तुम तो उसका मजाक उड़ा रही हो यार, इतना मजाक मत बनाओ। अरे ब्लू वाले भैया का हाइट तो मेरे जितना ही था, उनको तो अच्छे से देख। सभी लौंडे हमारे ही हाइट के थे, दो को छोड़ करके, ठीक है ना? चलो चलो हो गया मस्ती, चलो अंदर बैठते हैं। पीछे देखो, मीटिंग। ए, मीटिंग कर रहे हो तुम लोग, भौंक क्यों रहे हो मेरे ऊपर? मैं आ गया गाड़ी के अंदर और पूजा का जोश देखो भाई, आज भी अभी भी गाड़ी के बाहर है। और ये देखो पकड़ी क्या है, ये काफी डेंजर स्टंट है, तो कृपया करके आप ट्राई ना करें। पूजा तो एक्सपर्ट है भाई, इसलिए ये कर रही है। गाड़ी में हूँ दोस्तों, गाड़ी के बाहर हो तुम, गाड़ी के अंदर नहीं। चिपका के नहीं निकालने करे मंगल, पूजा उतरो उतरो, ये तो बहुत ज्यादा कीचड़ है, तुम वो हो जाओगी। पूजा ऐसे मत आ भाई, कीचड़ घुस जाएगा। चलो चलो आराम से आओ ना। अरे क्या क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? मिट्टी झाड़ दिया ना, टी शर्ट खोल कर वो साफ करो। मिट्टी झाड़ दिया तुमने, वाह बेटा साफ करो। चलो अंदर बैठो, निकलो घर। चलो भाई भगाओ भाई, चला दो। आज पहली बार ना गिन्नी दरवाजा खोल रही है, हर बार मैं खोलता हूँ। चलो पूजा तुमने दरवाजा खोला है तो मैं उतर ही जाता हूँ यहाँ पे। रुको भाई मेरा फोन दे। चला। अरे तुम्हारा फोन कहाँ गया? चलिए चलिए पूजा दरवाजा मेंटेन करो भाई, नहीं तो दरवाजा में ठोक देगा वो गाड़ी। इससे पहले भी ठोका था वो भाई, उसे संभाल के, वो हर बार गाड़ी ठोक देता है दरवाजे में। देखो देखो फिर थोड़ा सा टच होने वाला है वहाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आ गया सेफली। तो हम लोग आ चुके हैं घर पे और अभी ना शाम का 6:30 बज रहा है। हमको थाने में लगभग 2-2.5 घंटा वेट करना पड़ा, मतलब थोड़ा तो बातचीत हुआ, फिर थोड़ा एप्लीकेशन लिखा, फिर फाइनली कंप्लेन कर दिया हम लोगों ने। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में, वैसे तो बहुत टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस है। तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं कल दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।